नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर का एक बहुत शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ। गाइस, अक्सर आप लोगों ने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश बोलते समय या हिंदी बोलते समय इस्तेमाल किया होगा। कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ खाना वाना हो जाए, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। यस, तो अक्सर आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है कि इन सेंटेंसेस को हम लोग अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे, अंग्रेजी में किस तरह से बनाएंगे। सो क्या जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, लाइक आपने कहा खाना वाना हो जाए, तो खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड। किसका इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए हम लोग? फूड प्लस प्रेपोजिशन प्लस फिर से फूड, यानी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस फिर से वही नाउन आपको रिपीट करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पकड़ते हैं कुछ खाना वाना हो जाए, पहले हम लोग सिर्फ सेंटेंस को नहीं वर्ड की बात करेंगे। खाना वाना फूड लाइक फूड, चाय शाय टी लाइक टी, टी लाइक टी, कैफे शेफे कैफे लाइक कैफे, कैफे लाइक कैफे, दूध शूद मिल्क लाइक मिल्क, पार्टी शार्टी पार्टी लाइक पार्टी। अब आपको इन्हें सेंटेंस में अगर उतारना है तो कैसे करेंगे? आप इनके साथ में हैव प्लस सम का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कुछ पार्टी शार्टी हो जाए तो हैव सम पार्टी लाइक पार्टी, कुछ चाय शाय हो जाए हैव सम चाय सॉरी टी लाइक टी, कुछ खाना वाना हो जाए हैव सम फूड लाइक फूड। इसी तरह से आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको सिर्फ साथ में लगाना हैव प्लस सम और वो फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, और आपके ये सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। तो कैसे लगी आपको ये अद्भुत सीरीज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। गुड बाय।